हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। जो फ्रेंड्स अभी अभी चैनल से जुड़े हुए हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई क्लास आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं, यदि वाक्य में नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट आवर का प्रयोग होता है तो किस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोग को बताया गया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। और उस वही चीज यदि वाक्य में नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट आवर का प्रयोग होता है और उससे पहले बिफोर या बाय का प्रयोग हुआ हो तो क्या पर कौन सा टेंस प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसी के आधार पर आइए देखते हैं एक दो वाक्य। इससे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप बाद में इसे नोटिस कर सके, है ना। तो आइए देखते हैं, वाक्य किसी के आधार पर मोहन मोहन हैज रिटेन मोहन रिटेन हिज लेटर मोहन हैज रिटेन हिज लेटर बिफोर नेक्स्ट मंथ। मोहन अगले महीने से पहले अपना पत्र लिख चुका है। यहाँ पे क्या आ रहा है? नेक्स्ट मंथ, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भविष्य का बोध कराने वाले शब्द लगे होते हैं और उसी से पहले, एक निश्चित समय से पहले, निश्चित समय से पहले का बोध होता है, है ना। नेक्स्ट मंथ कह रहा है, नेक्स्ट मंथ अगले महीने से पहले, अभी अगला महीना आया नहीं है और यहाँ पे क्या हुआ है? समय बीता हुआ है। हैज किस टेंस की क्रिया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुके हैं, चुकी, अर्थात कार्य पूरा होता है। भूतकाल में किए गए कार्य का क्या होता है? वर्तमान में आभास होता है, उसका अनुभव प्रकट होता है, वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये क्या बता रहा है? समय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, अर्थात जो अगला महीना आएगा उसके पहले मोहन पत्र लिख चुका है, जो कि वर्तमान में ये पत्र लिख चुका है, परंतु यहाँ पे अभी समय पूरा हुआ नहीं है, समय आया नहीं है। तो यहाँ पे हैज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगले महीने से पहले मोहन अपना पत्र लिख चुका होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? विल हैव। यहाँ पर विल हैव का प्रयोग करने से वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही चीज अगला वाक्य देख लेते हैं। मोहन डैश रिटेन हिज लेटर नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर इंडेफिनिट में, है ना, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर से पहले प्रीपोजिशन अर्थात का और में छुपा होता है। जैसे कह दिया जाए मैं अगले महीने या अगले वर्ष इलाहाबाद जाऊंगा, मैं अगले महीने या अगले वर्ष इलाहाबाद जाऊंगा, उसमें मैं छुपा हुआ, अगले वर्ष में। या कह दिया जाए वह सोमवार को अपना कार्य करेगा, सोमवार को, है ना, वहाँ पे कुल लगा हुआ है। देखिए मोहन डैश रिटेन हिज लेटर नेक्स्ट मंथ, यहाँ बिफोर या बाय का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात अगले महीने में, अगले महीने में अपना पत्र क्या करेगा? लिखेगा। जब अगला महीना आएगा तो किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? विल, और विल के साथ क्या प्रयोग होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। मोहन विल राइट हिज लेटर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने अपना पत्र लिखेगा।
अगले वर्ष दिल्ली जाओगे, अगले वर्ष दिल्ली जाओगे, वह अगले वर्ष से पहले या तक अगले वर्ष से पहले या तक दिल्ली जाएगा या जा चुका हो गया उन्होंने जा चुका होगा कह रहा है तुम अगले वर्ष दिल्ली जाओगे। अगले वर्ष अर्थात जो अगला वर्ष है उसी वर्ष में तुम क्या करोगे, है ना, कर्ता क्या है तुम दिल्ली जाओगे। तो इसको किस में रखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाते समय ये बताया गया था यदि वाक्य में फ्यूचर समय को बोध कराने वाले शब्द लगे हो, जैसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट डे, तो किस में रखते हैं टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और इसी में नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर से पहले बिफोर या बाय का प्रयोग होता है, तो इसमें प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यू विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। अब आगे ही will have gone to Delhi before या by, before का अर्थ होता है इससे पहले, by का अर्थ होता है तक, next year, next अगले वर्ष से पहले या अगले वर्ष तक दिल्ली जा चुका होगा। आइए वाक्य देखते हैं। दे विल written a letter next month, कह रहा है they will have written a letter next month। यहां पर किस पार्ट में गलती है, वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है, किस पार्ट में गलती है। दे विल हैव रिटन अ लेटर नेक्स्ट मंथ, दे विल हैव रिटन कह रहा है यहां पे कौन सा समय लगा हुआ, नेक्स्ट मंथ अगले महीने। नेक्स्ट मंथ यदि वाक्य में लगा हुआ हो तो किस में रखते हैं हम, वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और यही चीज जब नेक्स्ट मंथ के पहले बिफोर लगा हो तो तब ये हेल्पिंग वर्ब सही होती, परंतु यहाँ बिफोर या बाय नहीं लगा हुआ है इसलिए किस टेंस का प्रयोग करेंगे हम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको हैव को क्या करेंगे, हटा देंगे तब सही हो जाएगा, मेन वर्ब को हटाएंगे, यहाँ पे राइट का प्रयोग करेंगे। दे विल राइट अ लेटर नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ वह एक पत्र लिखेगा। अगला वाक्य देखते हैं, सी विल गो
cooked. She will cook food. In the kitchen. In the kitchen. Before next day. Before next day. या किसी दिन का नाम भी कर सकते हो, जैसे मंडे, संडे, ट्यूजडे या मंथ नेम जनवरी फरवरी, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है. सी विल कुक फूड इन द किचन बिफोर मंडे. कह रहा है वह सोमवार से पहले किचन में अर्थात रसोई घर में भोजन पकाएगी. यहाँ पे इस वाक्य का अनुवाद क्या है? वह सोमवार से पहले रसोई घर में भोजन पकाएगी. प्रतिवाक्य का वाक्य क्या है? गलत है. जब यहाँ पे बिफोर मंडे का प्रयोग हुआ है तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे पका चुकी होगी होना चाहिए. तो क्या प्रयोग करेंगे? विल हैव कुक्ड, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. वह सोमवार से पहले रसोई घर में भोजन पका चुकी होगी, अर्थात जब फ्यूचर टाइम से पहले बाई या बिफोर का प्रयोग हो तो किस टेंस का प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बाई या बिफोर, बिफोर प्लस फ्यूचर टाइम. यदि फ्यूचर टाइम से पहले बिफोर या बाई का प्रयोग हुआ हो तो किस टेंस का प्रयोग करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्रेंड्स, यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं.